मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मजे में है। मैं आज लेट हो गया, क्योंकि आज का मैगजीन स्पेशल है। लाइव शो शुरू हो गया, क्या हो गया है, किसने भेजा है? अरे भाई, तुम रोज ही मैगजीन लेकर आते हो, आज क्या स्पेशल है? लाइव शो शुरू हो गया, इसको किसी ने बताया नहीं। ताहा, क्या है, क्या है भाई मैगजीन स्पेशल? क्या स्पेशल है, है? हाय हाय, बता के तो जाओ, कहाँ चले गए? अच्छा, ओके, ये कैसा ऐड है? कुछ ब्लर है, समझ ही नहीं आ रहा कैसा है यार। अच्छा, और साथ ग्लासेस भी हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि ये जैज का 3D प्रिंट ऐड है। हमने 3D मूवीज तो देखी हैं, और वो भी आपको पता है, चश्मा लगा के देखते हैं ना, आपको हर चीज़ ब्लड नज़र आ रही होती है, लेकिन ये मैंने ज़िंदगी में पहला, पाकिस्तान में एक्चुअली, ज़िंदगी में तो नहीं, पाकिस्तान में मैंने पहला 3D ऐड देखा है, जो कि जैज ने भाई यहाँ पे भी नंबर ले गए। बहुत ज़बरदस्त। तो जैज ने ये पहला स्टेप लिया है, और हमेशा की तरह इनोवेशन में सबसे आगे, सुपर फॉर चेंज की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए जैज एक बार फिर पाकिस्तान में प्रिंट ऐड को एक एक तरह के नॉर्मल तरीके को बदल कर ज़रा 3D ऐड में लेकर आए। बड़ी बात है भाई, ज़बरदस्त। हॉकर को समझाना ज़रा, आप शो के बीच में ना आए। अच्छा जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, फिर आपको बताऊँगी कि एक्चुअली आज हम अपने शो पे करने क्या वाले हैं। मैं ज़रा गौर से ऐड तो देखूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप फरवानी में जब कोई जुमले बोल जाते हैं, सुनते हैं, कभी कभार आपको सुनने में शायद इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही होती, लेकिन जब आप बोलते हैं ख़ास तौर पे किसी अपने के बारे में, तो एक ना दिल एक बंद खुल अजीब सी फीलिंग होती है, ख़ास तौर पे जब आप किसी अपने के बारे में कहते हैं कि जब वो थे या वो अब हम में नहीं रहे। सो एक बहुत ऐसी कैफियत होती है जो शायद वही समझ सके जिसका कोई अपना, कोई बहुत करीबी उसके दरमियान नहीं रहा हो। ज़बान कहते हुए लड़कती है, दिल आपका जो है कांपता है, और कभी कभार आंखों से आंसू भी आ जाते हैं अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग नहीं होती तो। अक्सर आप उनकी चीज़ों को या उनकी बातों को लेकर जिक्र करते हैं, वो बहुत तकलीफ़दह चीज़ होती है जब आप उनकी बातों को याद करते हैं या जिक्र करते हैं, लेकिन उनको याद करने में दिल को सुकून भी मिलता है, तस्कीन भी मिलती है। कल ही मैं अपनी बहन से मिल रही थी, तो उसने मेरी अम्मी का पर्स लिया हुआ था, और उसने ये बोला कि ये पर्स मैं अब लेती हूँ अम्मी के जाने के बाद, जबकि क्या है, एक पर्स है, मगर वो एक अटैचमेंट है कि वो अपनी चीज़ें इसमें रखती थी। वो कहेंगी देखो ये पर्स ले लेके मैं घूमती हूँ, मैंने अपने सारे पर्स छोड़ दिए और मैं अपनी अम्मी का पर्स लेके घूमती हूँ। सो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अम्मी के कोई जो कपड़े थे हम तीनों बहनों ने जब तकसीम कर लिए, सो अम्मी का कोई दुपट्टा लेकर वो जब आप अपने मुंह पे डालते हैं, तो वो जो खुशबू आती है और वो जो तस्कीन मिलती है, या उनका तकिया या उनकी कोई ऐसी चीज़ जो जो हमने बांटी आपस में कि तुम साड़ी ले लो, तुम दुपट्टा ले लो, तुम पर्स ले लो, तुम तकिया ले लो, तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो सुकून मिलता है। आई डोंट नो, मैं उनके इंतकाल के बाद बहुत दिन तक उनके वॉइस मैसेजेस सुनती रही, फिर मुझे मेरी बहनों ने डांटा, कहने लगी कि नहीं तकलीफ़ दो अपने आप को। मुझे सुकून तो मिलता था, लेकिन फिर आंसू रुकते नहीं थे। तो कभी कभार अपने प्यारों को याद करना बहुत ज़रूरी भी होता है, जब आप साथ बैठते हैं, ख़ासतौर पर जैसे लाइक बहन भाई अगर साथ बैठते हैं और आपके पेरेंट में से कोई एक आपके सर पर नहीं रहा और उनकी बातें करते हैं, तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन बहुत देर तक वो असर छोड़ जाता है, और आप बहुत देर बाद, बहुत घंटों बाद आप उसकी, वो कहते हैं ना कि उसकी कैद से निकल पाते हैं, और आपकी तकलीफ़ जो आपके दिल को हो रही होती है उससे निकल पाते हैं। ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि आपका कोई आता है आपके पास, या आपको जिससे मोहब्बत होती है वो जाता भी है, वो अमानत के तौर पर अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा होता है, और वो अपनी अमानत जो है वो वापस ले जाता है। हम सब ने वहीं जाना है, और यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है और सबसे तकलीफ़ देह हकीकत भी है। मेरे साथ आज चार यहाँ ऐसे मेहमान हैं जिनके प्यारे उनके पास, उनके दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी यादों को उनसे कोई नहीं छीन सकता। वो हमेशा, जब तक वो ज़िंदा हैं, वो उनके साथ रहेंगी और उन्हीं की यादों के साथ वो जिएंगे। कभी उनकी बातों को सोच के हंसेंगे, कभी उनकी बातों को सोच के दुखी हो जाएंगे, कभी शायद रोना भी आ जाएगा,
लेकिन हम सब बहुत स्ट्रांग हैं और हमें पता है कि ये ज़िंदगी का फैक्ट है, हमने भी इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहना। मेरे पास यहाँ बहुत दिनों बाद मुझे ज्वाइन इन किया है मिशी खान ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच निदा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड इतना एक क्या कहूँगी, ऐसा शो में आपने याद किया, मुझे आपकी वालदा का बहुत अफसोस, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मैंने उनके साथ बहुत पाकिस्तान टेलीविजन में बहुत उनके कमरे में जाना, आपके फादर भी होते थे तो मेरा उनके साथ बड़ा एक इंटरेक्शन, बहुत ही नफीस माशाल्लाह, बड़ी फुल ऑफ कहते हैं ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून थी उस टाइम में, आप लोग भी आते थे, सो मुझे बड़ा दुख हुआ, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। एंड थैंक यू आपने मुझे याद किया बड़े अरसे के बाद, बहुत प्यारा आपका माशाल्लाह से नया सेटअप। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल ये वाली बात है। मेरे पास जो अगली गेस्ट है वो अक्सर ये होता था कि वो मेरे सामने बैठी होती थी, वो इधर कैमरे की तरफ आती नहीं थी, उनको खुद भी नहीं अच्छा लगता था, बस वो हर वक्त जिस सेलिब्रिटी के साथ मेरे पास यहाँ आया करती थी, हर वक्त उनके साथ साथ मुझे नज़र आई, कभी उनको खाना खिलाते हुए, कभी उनको समझाते हुए, कभी उनके नखरे उठाते हुए, कभी उनको प्यार से कोई ना कोई बात कहते हुए, जब यहाँ बैठे होते थे उमर शरीफ साहब, सो वहाँ बैठकर सबसे ज़्यादा जो हंसने वाली आवाज़ थी वो उन्हीं की होती थी, सबसे ज़्यादा जो फील करने वाली वो कहते हैं ना कि एक शख्सियत थी वो वही होती थी, ज़रीन गज़ल, जो पहले ज़रीन गज़ल होती थी और अब ज़रीन उमर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू कि आप आई। मैंने कहा अब ज़रीन जो है वो हिम्मत वाली है और हिम्मत वाली नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं तो चाहती थी कि कुछ कभी होता है कि आप जिक्र करते हैं तो, हाँ आई एम सॉरी सॉरी। मैं जो अगले गेस्ट हैं मेरे, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि आप उनको ड्रामों में बहुत ही शफकत भरी एक्टिंग करते हुए देखते हैं, कभी वो किसी के फादर बने होते हैं और बहुत ही मतलब जो भी वो परफॉर्म करते हैं बड़ी उस परफॉर्मेंस में एक फील होती है और आप रिलेट कर जाते हैं उनके कैरेक्टर से। सो मैंने उनके बड़े इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, बड़े लाइवली हंसमुख उनकी पर्सनालिटी बड़ी वो वाली शफकत भरी है, अपनी वाइफ का जिक्र करते हुए या उनकी बात करते हुए इमोशंस होते हैं, अपने बच्चों का जिक्र करते हुए इमोशंस होते हैं। सो जो एक्टर होता है एक्चुअली वो अंदर से बड़ा सेंसिटिव होता है, सो आज मेरे साथ वो यहाँ बैठे हैं अपनी ज़िंदगी की यादें ताज़ा करने के लिए, अपने प्यारों को याद करने के लिए। सैयद मोहसिन गिलानी साहब यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम और ARY का आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इज़्ज़त बख्शी, बुलाया और मौका दिया कि हम अपने दिल की बातें सब देखने वालों के साथ कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपकी मुलाकात जिस एक्ट्रेस से, सेलिब्रिटी से करा रही हूँ, आपने उनको फिल्मों में देखा है, ड्रामों में देखा है, हंसते खेलते मेरे शो पे देखा है और वो जिक्र जो आज मैं करने वाली हूँ वो उन्होंने कभी भी नहीं किया शो पे, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहे और ऑब्वियसली जब आपकी आपके घर का एक ऐसा फर्ज जिसे हम हेड ऑफ़ द फैमिली कहते हैं जब वो नहीं होता, सो किस तरह चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं, खुद स्ट्रगल करके एक मुकाम पर पहुँचना तो वो बहुत एक मुश्किल टास्क हो जाता है, ख़ासतौर पर एक बेटे के लिए। सो नुमान हबीब इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और वो अपने फादर का जिक्र करने वाले हैं जो उन्होंने शायद मुझसे कभी पहले नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आपका बहुत शुक्रिया शो पे आने का। ये वाली जो चीज़ें हैं ना हमारी, हम लोग हंसते मुस्कुराते खेलते तो बड़े अच्छे एंटरटेनर्स हैं हम, लेकिन ये वाली चीज़ें अक्सर हम लोग डिस्कस कर नहीं पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, या हम करना नहीं चाहते हैं। मेरी एक पर्सनालिटी भी ऐसी है कि मैं अपने जो है ना कोई भी दिल की बात होती थी अपने माँ बाप से भी नहीं कर पाता था। मेरी एक नेचर ऐसी है। तो जब मुझे ये कहा गया तो मुझे हुआ कि मैं मुझे काफ़ी याद आ रही थी काफ़ी दिनों से उनकी, तो मैंने कहा इसी बहाने उनको याद कर लूँगा। मुझे ऐसा फील होता है जब आप किसी की याद आ रही हो, खासतौर पर जो आपका अपना है और आप उसका ज़रा सा भी जिक्र कर लें, सो एक आई डोंट नो दिल हल्का सा हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी अम्मी के, जब शुरू में जब ज़ख़म बिल्कुल ताज़ा था तब तो मुझसे बात ही नहीं होती थी, लेकिन कभी भी जैसे
अभी भी कोई मिलता और अफसोस करता है, लगता है जैसे जख्म हरासा हो गया फिर से, मगर मुझे तस्कीन मिलती है उनके बारे में बात करके कि वो कितनी स्ट्रांग थी। आपके अब्बू की वफ़ात कब हुई? 14 जुलाई 2010 के अंदर। लाइक 12 साल हो गए। और आपका करियर शुरू हो चुका था? करियर शुरू कुछ ऐसा हुआ था कि वो बड़ी मुझे आज यादें आती हैं, बड़ा खुशी होती है कि मैं पीछे से गुजरता था, मैं बहुत एक्स्ट्रास काम जो ऐसे करता था। तो मेरे फादर और मदर साथ बैठते थे, मैं बताता मेरा काम आ रहा है तो बैठते थे और देखते थे और मैं पीछे से गुजर के आता था, देखो 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 नुमान पीछे से गुजरा। अब्बू कहते थे जी, तो बड़ा मैं खुश उसको भी इंजॉय करता था कि मेरे वालदैन हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक चीज़ थी कि जब मैंने उनको कहा कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरे वालदैन ने मुझे सामने बिठाया और कहा कि बेटा आपकी खुशी हमारी खुशी है, लेकिन आपसे एक बात ज़रूर कहेंगे कि हमारा कभी यकीन मत तोड़ना। उसके बाद उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं पूछा कि मैं रात को 3 बजे शूट से आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ या लेट जा रहा हूँ शूटिंग पे, तो उन्होंने कभी सवाल नहीं किया और उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया। तो ये एक ऐसा लड़का, पेरेंट्स कहते हैं कि आप कोई और फील्ड इख्तियार कर लो जिसमें ये लाइक हवाई रोजी ना हो। जी बिल्कुल। और स्पेशली फादर्स थोड़ी सी सख्ती करते हैं इस मामले में। अच्छा, मेरे साथ ये था कि मेरी एजुकेशन तो साथ चल ही रही थी और उसके साथ हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी था मेरे फादर का। अच्छा, तो मैं उनके साथ वहाँ पर भी होता था जब शूट होती थी। शूट आपको पता है कैसी होती थी, साल में एक दिन मिल गई पीछे से गुजरने वाली, तो वहाँ पर भी मैं शूट पे चले जाता था, वरना उनके साथ इंस्टीट्यूट में ही होता था और वहाँ पर पढ़ाता था। हाँ जी। सो जब आपने पहला कोई बड़ा काम किया उस वक्त अब्बू हयात थे? बड़ा काम तो नहीं किया था उस वक्त, ऐसा कुछ नहीं किया था। और बस ये ख्वाहिश थी अब्बू की कि मेरे पास मरून कलर की गाड़ी हो। अब्बू की ख्वाहिश? हाँ जी, और बड़ी गाड़ी हो, डिग्गी वाली गाड़ी। अच्छा। और आज ये गाड़ी नॉर्मल है ज़िंदगी के अंदर, तो मैं कभी कभी याद करता हूँ कि जब इतनी चीज़ें हैं तो वो साथ थी। वो नहीं है, लेकिन अगर आप से मैं पूछूँ कि आपने उनकी क्या चीज़ पिक किया है आपके अंदर, अपने अब्बू की कौन सी आदत आई है, वो क्या है? उनके अंदर वक्त की पाबंदी जो है सबसे पंक्चुअल, बहुत पंक्चुअल थे, बहुत ज़्यादा। अगर कहीं फॉर एग्जांपल हमारा किसी भी जगह जाना होता था तो वो 10 मिनट पहले वहाँ पर मौजूद होते थे। अच्छा। और वही चीज़ मुझ में है। उसके बाद परफेक्शन लाइफ के अंदर कि अगर ये चीज़ यहाँ की है तो यहीं पर ही होनी चाहिए, कि ढूंढते वक्त ये ना हो कि वो कहाँ मिले, तो लाइफ को बिखरा के नहीं चलते थे। बड़ी परफेक्शन के साथ, अगर दवाइयाँ लेनी है टाइम पे तो वो उसके साथ। आप ऐसे हैं? मैं भी बिल्कुल उन पे ही। उसके बाद एक और चीज़ उनकी बड़ी अच्छी थी कि उन्होंने, हम 3 भाई बहन हैं तो हमारी एजुकेशन वफात से पहले ही हमारी एजुकेशन पूरी कर दी थी उन्होंने, हम लोग मास्टर्स हैं तीनों भाई बहन। उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वालदैन जाने के बाद प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जायदाद वगैरह की, इस तरह की चीज़ें। उस वक्त तो हमें कुछ आइडिया नहीं था ऐसी क्या चीज़ है, तो उन्होंने उसी वक्त जो है ना तीनों भाई बहनों को ना जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमें तो समझ में नहीं आ रहा था क्यों कर रहे हैं। हमारे लिए तो वो और हमारी वालदा ही वो थी। उनको क्या हुआ था, लाइक उनको कैसे पता चला? बेसिकली उनको जो है शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती थी काफ़ी सालों से। अच्छा। तो वो अक्सर औकात रात को 2 बज रहे हैं, उनको जो है ब्लड प्रेशर शुगर बहुत हाई हो जाता था। ओके। तो उनको हॉस्पिटल लेके जाते थे, तो वो 2-2 दिन जो है ICU में रहते थे, तो ये काफ़ी सालों से चल रहा था। उसके बाद जो है उनको जो है हार्ट का प्रॉब्लम भी था, तो फिर हार्ट अटैक हुआ, उसको ऑपरेट हुआ, बस फिर वो बीमारियां बढ़ती गईं और वो अपने अंदर जो है। तो उन्होंने अपने जाने से पहले ही उन्होंने ये सब चीज़ें, अपने सारे फ्राइज इवन भाई की शादी, बहन की शादी और मेरी शादी भी पीछे पड़े रहे। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी नहीं करना, मैंने अभी करियर स्टार्ट किया और मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने मेरी शादी के पैसे जो है ना, कि इतने शादी के पैसे होंगे ये तुम अभी अपने पास रख लो, ये तक फ्राइज पूरा करके गए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी अपनी लाइफ के अंदर। वही ना, पेरेंट्स कहते हैं ना, हम अक्सर जिक्र ये करते हैं माँ गले बच्चा पले, लेकिन फादर्स को भूल जाते हैं क्योंकि वो तो एक्सप्रेसिव नहीं होते, मगर वो दिन रात मेहनत करके और वो हमारी परवरिश करते हैं और इतने कहाँ इतना जितना माँ गले लगा रही होती है, एक्सप्रेस कर रही होती है, अब्बा नहीं कर रहे होते, लेकिन वो कितने हार्ड वर्किंग होते हैं। और मेरे वाले साहब जो है ना गवर्नमेंट ऑफिसर थे। अच्छा। वो सुबह जॉब पे जाते थे। अच्छा। मेरी मदर जो है वो भी जॉब करती थी, वो सुबह 6 बजे घर से जाती थी जॉब के लिए, तो
तो मैं और मेरी बहन जो है हम नानी के रहते थे बचपन में, और भाई जो है दादी के पास। तो जब हम थोड़े से बड़े हुए तो फिर हम वापस वहाँ पर आए। बहुत मेहनत की हमारे वालदे ने, बहुत ज़्यादा मेहनत की घर लेने के लिए कि एक छत हो। कितनी मेहनत की वो अब बताती हैं अम्मी, पहले तो समझ नहीं थी। तो उससे एहसास होता है कि दुनिया में हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी, वालदे नहीं मिलते। लेकिन आप कितना प्राउड फील करते हैं कि आप, मतलब आपके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की है। और मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, वो कभी आपके बच्चों को उसके, मतलब आप कह रहे हैं ना आपको वो वाला हार्डवर्क नहीं करना पड़ा जो उन दोनों ने किया, आपको वो काम आया। वो हार्डवर्क विरासत में मिल जाता है ना, उसका जो अल्लाह ताला देता है उसके बदले में। बिल्कुल सही। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं और हमारे यहाँ तीन गेस्ट और हैं, ये अपने प्यारों के हवाले से जो भी बात करना चाहेंगे। आज मैं यहाँ सुनने बैठी हूँ और हम सब सुनेंगे, शायद इनके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। एक छोटे से वक्फे के बाद रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। आज यहाँ हम बैठकर अपने प्यारों को याद कर रहे हैं, उनकी छोटी छोटी बातें, उनकी वो ख़ास बातें जो हमारे लिए बहुत ख़ास है। मैं अपनी अम्मी को याद कर रही हूँ, नुमान अपने अब्बू के बारे में जिक्र कर रहा है, मिशी जो है वो भाई का सोच रही हैं, भाई के बारे में बात कर रही हैं, यहाँ जरीन जो है उमर भाई के बारे में बात कर रही हैं, अपने हस्बैंड के बारे में, और मोहसिन साहब जो है वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रही हैं। अभी मैंने जैसे कि जिक्र किया नुमान से उनके फादर का, सो औलाद, फिर अपनी औलाद में थोड़ा बहुत अपने आप को मगन करके शायद बेयर कर लेती है, या बहुत मुश्किल है गम अपने पेरेंट्स का बेयर करना। लेकिन अगर किसी वालिदैन के साथ उनकी औलाद वाला सानिया हो जाता है, या उनकी आंखों के सामने उनकी जवान औलाद नहीं रहती, बेटा हो या बेटी हो, सो वो एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है पेरेंट्स के लिए। मैंने अक्सर ये देखा हुआ भी है, और मैं कहती हूँ वो पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत हिम्मत दी है जो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है उनके दूसरे बच्चे हैं, घर के और फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनकी खातिर उनको अपने आप को एक मज़बूत चट्टान बना के चलना भी है। और ख़ास तौर पर जो मर्द है उससे तो अपना वो कमज़ोर शो करना ही नहीं होता, उसके प्रति एक जिम्मेदारी होती है माशरे की। जबकि मुझे ये भी पता है कि औरत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, अपने किथार्स निकालने के बाद वही मर्द को धक्का दे के खड़ा करती है कि उठें, छोड़ें, जाने दें। सो मोहसिन साहब, मैंने देखा, मुझे नहीं पता था आप हर वक्त मुझे हंसते खेलते लाइवली से नज़र आए हैं, और जब भी आपका कोई इंटरव्यू देखा है हम बड़े इम्प्रेस होते थे कि इतनी प्यारी, इतनी रिलेटेबल बातें करते हैं। जो मतलब लास्ट टाइम मुझे इत्तेफाक हुआ ऐसा देखने का कि हर इंसान के अंदर कुछ ज्वालामुखी होता है ना जो फटता है वो, सो आप अपनी बेटी के बारे में हमसे जिक्र करना चाहेंगे, उनकी यादें के बारे में बात करना चाहेंगे। एक बात छोटी सी मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि मैं कोई 12-13 साल का था जब मैंने ये सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी, मेरी औलाद होगी, तो दो नाम सोच रखे थे, एक सैयदा फातिमा बतूल और एक सैयद अबू तुराब मुर्तज़ा, ये दो नाम सोच रखे थे। शादी हो गई, अल्लाह ने बेटी दी, तो उसका नाम सैयदा फातिमा रखा, फिर बेटा सैयद अबू तुराब, फिर बेटी सैयदा ज़ैनब, फिर बेटा सैयद वजीउल हसन। बस एक ज़िंदगी चल रही थी, सब सिस्टम चल रहा था। मेरी बेटी फातिमा अपनी दादी के बहुत करीब, बहुत ज़्यादा, पूरे ख़ानदान की लाडली, और यूं समझ लें कि उसकी जान मुझ में थी और मेरी जान उसमें थी। अगर मैं आउटडोर जब हम शो के लिए या किसी शूट के लिए जाते थे तो वो बीमार पड़ जाती थी, तो मेरे लिए वो आउटडोर करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब ज़रा ये सोचें कि एक बाप की बेटी को अगर बुखार हो जाता है उससे, अलग होने से, जुदा होने से, तो बाकी तकलीफ़ें कितनी दूर। मैं क्या बात करूँ, मैं ये बताऊँ कि उसके दाल चावल उसे बहुत पसंद थे, बहुत शौक से, अगर फ्रिज में रखी हुई है दाल रखी हुई तो वो कहती थी किसी को नहीं देनी, मैंने दाल चावल ज़रूर खा। चाइनीज़ बहुत पसंद थे, फ़िश बहुत पसंद थी, शरारती बिल्कुल नहीं थी।
बस उसके लिए हर लाड, हर प्यार, हर मोहब्बत वो मैं था, बस अबू। और वो जैसे बच्चा कहीं गिरता है या घबरा के नींद में उठता है तो अम्मी निकलता है ना मुँह से, वो हमेशा अबू कहती है। अभी आपने पर्स की बात की तो मैं आपके मेकअप रूम में भी दिखा रहा था, ये उसकी निशान। फादर डे पे उसने मुझे दिया, बहुत प्यार करती थी। मेरे लिए वो सबसे मुश्किल लम्हा था जब रुखसती के वक्त वो मेरे गले लग के रोई और मैंने उसे इतना कहा कि फातिमा कभी मैं तुमसे ऊंची आवाज में बोला, कभी मैंने कोई ऐसी बात तुम्हारी जो ना मान या मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, मेरी कहीं औकात, मेरी वसत, मेरी हद से कोई बाहर थी, कोई ऐसी चीज़ जो मैं तुम्हारी नहीं कर सका, अपने बाप को माफ कर। ये रुखसती के वक्त मैंने कह के उससे रुखसत, जिंदगी चल रही, अब वो माँ बनने वाली हुई तो बस यही थी कि अबू आपने ज़रूर आना है, अम्मी आपने ज़रूर आना है। इस्लामाबाद मैं ये भी बताता जाऊं कि हमारे सादात फैमिली में बाहर रिश्ता नहीं करते, तो वो मेरे बड़े भाई के यहाँ, मतलब मेरे भतीजे की वो बीवी थी और बड़े भाई की बहू थी वो, तो बस यही उसकी बात थी कि आपने लाजमी आना। मैं अदनान भाई का प्ले घुग्गी कर रहा था तो लाहौर में ही था मैं, अस्मा अब्बास साहिबा साथ थी, सारे पूरी कास्ट इकट्ठे काम कर। मैंने उनसे कहा था कि यार इन दिनों में मैंने जाना है, ये अगस्त के जो 9, 10, 11, 12 ये 3-4 दिन का मुझे ऑफ चाहिए, मेरा बेटी से वादा है। वो चाहती है कि उस वक्त मैं बेटी का आऊँ, देखूँ, बैठूँ, मैं उस वक्त बेटी के साथ हूँ, वो ये चाहती। उन्होंने कहा ठीक है। असमा साहिबा ने कहा हम डे नाइट, हम लेट नाइट शूट कर लेंगे, लेकिन मुसिन आपको ज़रूर जाना चाहिए, आपने बेटी से वादा। मैं और मेरी बीवी चले, वहाँ पहुँचे, वहाँ उससे बैठ के बातें की तो मैंने कहा फातिमा मैं ज़रा कमर सीधी कर लूँ, लेट जाता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं 2-3 रातों से जागा हुआ हूँ, फिर गाड़ी ड्राइव करके आया। कहती है अबू तो बातें करें आप मुझसे, फिर तो आपने आराम करना ही करना है, अभी तो बातें करें मुझसे, मेरा दिल नहीं भरा आपसे बातें कर। मैं उठ के बैठ गया, बातें करता रहा, क्योंकि सुबह नमाज के वक्त उसने गुसल करके वजू करके तो हॉस्पिटल जाना था, हॉस्पिटल चली। तो मैंने कहा मैं साथ चलता हूँ, कहने लगे नहीं आप नाश्ता करके आराम से आ जाइएगा, कोई बात, इतनी इतनी बात की फिक्र होती थी उसे, चले गए वो। अब देखे एक बाप के लिए क्या से क्या चीज़ें हो सकती हैं कि लेबर रूम में चली गई तो वो बाहर आई। अब सोचें एक आर्टिस्ट जहाँ लेबर रूम के बाहर खड़ा हो, वहाँ कितने लोग होते हैं आपकी सेल्फियाँ बनाने वाले, वीडियो और फिर मुबारकबाद देने वाले, क्योंकि बेटी पैदा हुई थी तो बहुत मुबारकबादें दी, सब कुछ हुआ। फिर मैंने मुल्तान बताया, लाहौर बताया, जहाँ जहाँ दोस्त है, बाप फैमिलियाँ थी, सब ने मिठाई वगैरह बांटी और मैं आके कमरे में बैठ गया। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ सब देखने वालों को कि जिस हॉस्पिटल में आपका रूम हो, आपके बच्चों का हो, आपकी फैमिली के किसी भी मेम्बर का रूम हो, वहाँ ये देख लें कि एक एमरजेंसी में कोई चीज़ अगर चाहिए तो क्या वो वहाँ मौजूद है। वहाँ कुछ नहीं था, ये सब चीज़ें बाद में पता। लेबर रूम से वो आ गई तो वो बातें कर रही हैं। अब एक जो अहम तरीन बात आज मैं ऑन एयर करने लगा हूँ, जब स्ट्रेचर से बेड पे शिफ्ट किया ना फातिमा को, तो स्ट्रेचर खून से लथपथ था। तो मैंने, मेरी बीवी तो रोने लगी, मैंने कहा डॉक्टर साहिबा ये क्या है, किसी को बुलाएं, ये क्या।
ये लेडीज़ प्रोग्राम है, आपको कोई आप परेशान ना हो, आप ग्लैंड साहब आप बात तशरीफ लें। अब मैं बाहर आया, वहाँ पे वार्ड इंचार्ज जो कैप्टन थी मैं उनके पास बैठा, तो थोड़ी देर बाद मुझे बीवी ने आके बताया कि बेटी की तो तबीयत बिगड़ रही। मैं गया उसके पास, अब मेरी मतलब समझें जान उसमें, और वो अपने शौहर का हाथ थामे और वो ये कह रही कि अबू मैं तो मरने वाली। वो सारे रोने लगे, क्यों ऐसी बातें, कह रही मेरी टांगों से जान निकल चुकी है अबू, अबू मेरा दिमाग अब बंद हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अबू मैं मरने वाली हूँ, अबू मुझे बचा। अब एक बाप क्या कर सकता, ये भाग दौड़ में लगे रहे। अब तो कह लीजिए एमरजेंसी में ले जाते हैं, वही डॉक्टर जो कह रही थी ये आपका नहीं मसला आप बाहर जाएं, ले जाते हैं। अब एमरजेंसी कहाँ थी हमें पता ही नहीं, कितनी दूर भूल भुलाइयों में लेके एमरजेंसी की तरफ गए। अब देखिए जहाँ हम जाके बैठ गए, मैं और मेरा बड़े भाई साथ थे, तो वहाँ बैठे हैं, उन्होंने पहले सबसे पहले वार्ड खाली करवाया, जो लोग हमसे मिलने आ रहे थे, मैं कह रहा था यार ऐसे मौके पे तो ना तंग करो, मतलब यकीन थे लोगों के, सब कुछ सारा एकदम से खाली हो गया, सन्नाटा तारी हो। मैंने भाई से पूछा कि मुझसे बड़े हैं माहीउद्दीन गिलानी, मैंने कहा भाई ये सब अचानक क्या हो रहा है। वो कहने लगा कि जाहिर है वो आ रहा होगा, कोई उनका होता होगा, तुम क्यों परेशान हो। मैंने कहा इस तरह क्या समझ नहीं आ रही, कह रहे जी ब्लड लग रहा है, ये लग रहा है, वाइट सेल हैं वो लग रहे हैं, पता नहीं क्या। उसी चक्कर में थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने वो आए अकबर साहब, उन्होंने कहा कि इनके ब्लड प्रेशर चेक करें, इनका सब नॉर्मल करें। वो डॉक्टर्स भेजे नीचे, जो लड़की की अम्मी हैं उनकी भाभी मेरी शुगर पेशेंट, बीवी मेरी शुगर पेशेंट है, भाभी कैंसर पेशेंट, अब वो वहाँ बैठी हूँ। और वो हमें कहते हैं कि आप ज़रा कमरे में तशरीफ, कमरे में गए, सात आठ डॉक्टर बैठे हैं। अकबर साहब ने कहा जी बताया ही नहीं क्या, हमने बहुत कोशिश की, बस इसके बाद बाप क्या सुन सकता है। जब आप कहते बहुत कोशिश की, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके, मैं तो बस सकते में था, मेरा भाई बातें करता रहा, क्या बातें करता रहा, वो उनसे क्या बातें करते रहे, मुझे कुछ नहीं पता। घर हमारा अबाई खानदान, अबाई कब्रिस्तान, सब कुछ मुल्तान में, मैं वहाँ पे हूँ, हम पिंडी में बैठे हुए, तो अब समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि डेड बॉडी, अब अंदाज़ा लगा है वो जो पूरे ख़ानदान की लाडली है, वो सैयदा फातिमा, वो हमारी बेटी, वो चंद सेकंड में वो डेड बॉडी होगी। और ये पता नहीं चल सका क्यों, क्या नहीं कैसे? अभी तो वो कह रहे हैं ना कि वो नहीं बचा सके, ये हुआ वो हुआ, अभी डेड बॉडी होगी। अब ये तकलीफ दे रही थी कि लव कि मैं तो फातिमा को लेके आया था, तो ये डेड बॉडी होगी मैया। तो अब उन्होंने कहा कि जी आप कहें तो हम बाई एयर पहुँचा सकते हैं मुल्तान, हम ये कर सकते हैं। भाई ने टाइम लिया कि नहीं आप इनको अभी सर्द खाने में रखें, हमें सोचने तो दें, हमें बताने तो दें फैमिली को कि हमारे साथ हुआ क्या। बड़ा भाई खुद बात करता रहा। बस उसके बाद अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हर बाप जो बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, और हर फैमिली जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, कि जब हम मुल्तान के लिए निकले, 11 घंटे का सफ़र है जीटी रोड से पिंडी से मुल्तान, अब एम्बुलेंस साथ है, और मेरी बीवी आई थी कि बेटी के साथ में रहूँगी 10-15-20 दिन के बाद मैं बेटी लेके आऊँगी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पीछे एम्बुलेंस आ रही है और बेटी की डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। अब इसमें हुआ ये कि जैसे ही हम बाहर निकले एम्बुलेंस से, पहले जब हम हॉस्पिटल से बाहर आए, लोग थे इर्द गिर्द रो रहे थे, हम समझ नहीं आई उसको तो ले, याद आया कि वो नवासी वहीं पे, हमने फिर गए जाके नवासी को लिया। अब लोग देख रहे हैं वैसे कि माँ ने बेटी को नहीं देखा, बेटी ने माँ को नहीं देखा, और हम नवासी को लेके वहाँ से आए, कैसे मुल्तान पहुँचे, एक ऐसी तकलीफ दे सफ़र। अब
जो एक दिमागी तौर पे असर था मेरी बीवी का, वो उसके जन्म दिन से ले के तो उस पूरे सफ़र तक वो सारा उसका बचपन की एक एक बात करती आ रही, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ पीछे एम्बुलेंस से, तो वो कह रही मैं कैसे एक अपनी बेटी के लिए मैं तो क्या क्या सोच के आई थी और ये एम्बुलेंस साथ आ रही। अब देखिए सारा सिलसिला हो गया, हम मुल्तान पहुँच गए, ख़ानदान इकट्ठा हो गया। वो जब दफनाने से पहले मैंने आखिरी बार उसके माथे पे प्यार किया तो वो लम्स आज तक महसूस करता हूँ। फिर कयामत अभी यहीं थोड़ी कि बच्ची रो रही उसको चुप कैसे कर। वो कहते हैं कि हथेली और पोरों पे जो ममता का एहसास है ना, जो वो बच्ची को सीने से लगाते बच्चों को सुकून मिल जाता है। अब बच्ची दो दिन तीन दिन कभी रोए, कभी कौन उठाए, कभी कोई उठाए, आखिर क्या हुआ कि वो बीमार हो गई। हम हॉस्पिटल में ले गए जी, वो झटके ले रही है बच्ची, प्रॉब्लम हो गई वहाँ ले गए। अब वो डॉक्टर क्या कह रही, इलाज करके दो तीन दिन कहती कि जी बुलाए सबको बुला लिए, कहती बच्ची का तो दिमाग ही पूरा नहीं बना। अब फातिमा की निशानी है, वो कह रहे उसका तो दिमाग पूरा नहीं बना बच्ची का, ये कैसे सरवाइव करे, बड़ी परेशानी। उन्होंने वही कहा दिमाग, एक उन्होंने और बिजली गिराई हम पे, वो उसकी आंखों में टॉर्च से लाइट मार रहे थे, कहती इसकी तो बिनाई नहीं, कह रहे कि इसकी तो बिनाई नहीं। अब बताए हम उस बच्ची को कैसे उठाए, क्या करें, MRI कहते हैं क्या कहते हैं उसको, कहते हैं इसका टेस्ट कराएं, बच्ची सोएगी तो टेस्ट कराएंगे, उसको सुलाए कौन, वो रो रही। इन सारी तकलीफों से निकले जब मेरा भतीजा डेथ सर्टिफिकेट लेने के, हार्ट फेलियर लिखा हुआ था कि हार्ट फेल हो, वो उस बात की तरफ नहीं आए कि जो ब्लीडिंग हो रही थी जब कहा कि ये देखो क्या, तो उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, वो टाइम जो ज़ाया हुआ वो उस तरफ नहीं आया, हार्ट फेलियर लिख दिया सर्टिफिकेट। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी तमाम फुटेज मौजूद है, कहीं आपको एहसास होता है कि डॉक्टर, फिर मुझे बताया गया कि हमने वो जगह खाली इसलिए करवाई थी कि आप मीडिया के बंदे हैं, कहीं आप रिएक्ट करेंगे तो मीडिया के लोगों को बुलाएंगे तो यहाँ एक अलग से तमाशा होगा, तो तभी ये सबको क्लियर करके ख़त्म करवा देते कि यहाँ कोई बंदा नज़र ही ना। तो ये सारे वाक़यात हुए और आज वो फातिमा, उसका नाम भी फातिमा ही रखा है उसके बाप ने। फिर मेरे भाई ने कहा कि मेरी बीवी मेरी बेटी वो जाती नहीं थी कि हम वहाँ नहीं जा सकते, कैसे जाएं उस घर में, तो मैं भी एक अरसे से नहीं गया, बस वीडियो कॉल पे बात हो जाती थी, मैं इस्लामाबाद का ड्रामा ही नहीं लेता था। मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि देखो इस दुख की सज़ा बेटी को तो ना दो, नवासी है, उसको इस प्यार से महरूम क्यों कर रहे हैं, आप आओ उसको मिलो, उसको एहसास हो कि मेरा नाना अबू है, तो ये चीज़ें करो। फिर मैं गया, माशाल्लाह वो ठीक है बिल्कुल। हाँ, मैं जब उस घर में गया ना जहाँ मैं फातिमा आके दरवाज़ा खोलती थी, और उस घर में मैं खड़ा था और आवाज़ दे रहा था फातिमा फातिमा, छोटी सी बच्ची एक चलती बस सीने से लगाया मैंने उस फातिमा, अब तो हमारा सब कुछ वही है, वो अब इंग्लिश स्कूल में पढ़ती है, अब वो कैसी है, मैंने चंद तस्वीरें दी थी कि मैंने क्या फातिमा को देख लें कि अब कैसी है, बहुत ज़हीन है, जिसको कह रहे हैं इसका दिमाग नहीं, इसकी बिनाई नहीं, मतलब कयामत पे कयामत गिराते ये बैठी हुई अपनी बात। बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी। मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ और वक्फे के बाद दोबारा सामने आपके आते जी। आप आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और शायद जो हम अपने प्यारों को याद कर रहे हैं, सो आप भी ऑब्वियसली रिलेटेबल है ये चीज़,
हर किसी का इस दुनिया में कोई ना कोई प्यारा ऐसा होता है जो उनसे दूर चला जाता है, मगर जब आप उनको याद करते हैं तो एक तरह से दिल को तस्कीन भी मिलती है लेकिन तकलीफ भी होती है। मोहसिन साहब अभी अपनी बेटी का जिक्र कर रहे थे, पहली बेटी, मोहब्बत जिससे इंतहा से ज़्यादा, बाप के करीब के चोट लगने पे भी माँ के बजाय बाप का नाम ले, और उसी की बेटी उसी दिन पैदा हुई जिस दिन उसका इंतकाल हुआ। अब देखें, अब ये मसला था कि हम बेटी की बरसी मनाएंगे या नवासी की सालगिरह मनाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मसला था। फिर हमने ये किया कि हमारे यहाँ खुशी गमी जो भी है वो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से होती है, तो 18 ज़िकत अभी पिछले दिनों उसकी बरसी थी, तो हमने 18 ज़िकत को उसकी बरसी कर दी और 11 अगस्त को फातिमा की हमने सालगिरह कर दी, क्योंकि उसके बाप मुज्तबा ने अपनी बेटी का नाम भी सैयदा फातिमा ही रखा। मेरी बेटी सैयदा फातिमा बतूल थी और नवासी का नाम सैयदा फातिमा ज़ाहरा, तो वो ताकि हम फातिमा को आवाज़ देते रहें और हमारे सामने फातिमा ही घूमती। मैंने मतलब मेरी बीवी की ख्वाहिश थी, सबकी ख्वाहिश थी कि हम बेहतर परवरिश कर सकते हैं अपनी नवासी की, जब हमारे पास होगी इसको एक माँ की ज़रूरत है, हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई का ये था कि मेरी नवासी भी है, मेरी पोती भी, तुमने तो अपनी बेटी रुखसत कर दी थी, ये तो अब मेरे घर की निशानी, तो इसे हमारे पास रहने दें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पास होती ना तो शायद हम इतना उसका ख्याल ना रख सकते जितनी तवज्जो वो मेरी भाभी, मेरा भाई और मेरा भतीजा, वो उसकी माँ भी है, उसका बाप भी है, तो सब जितना वो कर रहे हैं शायद हम ना कर सकें। बिल्कुल, अल्लाह सलामत रखे। और देखिए अल्लाह ताला ने, आपने जैसे बताया कि जब डॉक्टर्स उसकी बच्ची के लिए क्या क्या कह रहे थे, अल्लाह ताला क्या क्या कह रहे थे, इंसान को तकलीफ देता है और आपने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन वो उतनी ही देता है कि जो इंसान बेयर कर सके। आपको फातिमा की शक्ल में इस दुनिया में दूसरी फातिमा मिल गई। निदा साहिबा, मैं एक बात कहूँ कि जवान औलाद जब मरती है ना तो माँ बाप साथ ही मर जाते हैं, सिर्फ दफनाना बाकी होता है, क्योंकि वो तो जी रहे होते हैं उनकी यादों से और बाकी जिम्मेदारियों की वजह से, माँ बाप रहते नहीं, बस वो अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। बाकी अल्लाह सबकी औलाद सलामत रखे, किसी को बहुत हिम्मत दे, आपके दूसरे बच्चे हैं, आपने उनके लिए चट्टान की तरह खड़े रहना, बस यही है वो वाली चीज है। अब देखिए, मैं कराची में रहता था, उसका रोज फोन आता था, रोज 11 बजे रात को उसका फ़ोन आना, अबू कैसे हैं, अबू आपने ब्लड प्रेशर की गोली ली, अबू आपकी तबीयत कैसी है। अब किसी का फ़ोन नहीं आता था, मैंने कराची छोड़ चला गया मैं लाहौर वापस। आपको सब्र दे, वही जैसे आप बात कर रही थी, वो सारे वॉइस नोट, सारी उसकी बातें, वो मेरी छोटी बेटी ने संभाल के रख ली, वो आज तक डिप्रेशन से नहीं निकली, सैयदा ज़ैनब वो आज तक नहीं निकली। अभी पिछले दिनों भी डॉक्टर के पास लेके गए, उसके ऊपर एक खौफ बैठ गया है कि ये अचानक क्या हो गया, और वो उस खौफ से कोई निकल नहीं रहा। अब मैं बच्चों को संभालूं, मैं जब काम करता था, मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई सबके सामने ये बता रहा हूँ, मेरे घर वाले भी आज देख रहे हैं, कि मैं कुछ चीज़ याद करता था, मेरे याद नहीं आती, मैं बोलता था तो मेरी ज़ुबान में लुकनत आ जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था। मैं रोया, दुआएं मांगी अल्लाह मियाँ से कि अगर मेरा रिस्क इसी में है, मैंने फैमिली को देखना है, मैंने जिम्मेदारियां पूरी करनी है, तो अल्लाह मियाँ मुझे इतनी ताकत दे कि मैं ठीक तरीके से काम कर सकूं। वरना आपको पता है शोबिज़ में ज़रा सा किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं यार उसको छोड़ो, दूसरे को बुला लो यार, उसको जुमला याद नहीं होता यार, वो तंग करता, वो ये कोई नहीं देखता वो किस तकलीफ़ से गुजरा। अल्लाह सबको सलामत रखे और उन सब के दर्जात बुलंद करे जो इस दुनिया से प्यारे चले। मैं यहाँ लोगों से कहूँगी आपके लिए दुआ करे, और आपकी आपके अंदर हिम्मत, जो आपने अपने आप को इस तरह कंपोज रखा है, ये बढ़ती जाए, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती जाए और आप अच्छे से अच्छा काम करें इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म। आपकी दुआएं। मैं निश्चित तुम्हारे पास आना चाहूँगी, क्योंकि जरी जो है उसको अभी वो देख रही है कि कितने सारे हिम्मत करके लोग बैठे हुए हैं, और सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, और वो कहते हैं ना कि हम बहुत ब्रेव हैं, बहुत बहादुर हैं,
हम चीज़ों को अपने अंदर समोए बैठे हैं। यहाँ मैं मिशी के लिए भी कहूँगी कि ये भी बड़ी, मैंने इसकी, अगर मेरी मुझसे मिशी की हिस्ट्री पूछी जाए तो मैंने देखा है एक ब्रेव स्ट्रॉन्ग लेडी, छोटी सी उम्र से अपने ऊपर डिपेंड कर रही है, काम कर रही है, कभी एयरलाइन में, कभी ड्रामों में। अगर ये इतनी सच्चाई से इस वक्त बात कर रही होती ना, उसकी रीज़न ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने छोटी सी उम्र में दुनिया देखी है। सो अगर ये अक्सर लोग होते हैं, जब तुम अपने दिल की बात अपनी ज़बान पे ले आती हो तो मुझे तो पता है, मैंने तो तुम्हारे, तुम जब छोटी सी थी और मैंने तब से तुम्हें देखा है कि तुम कितनी हार्ड वर्किंग, कितना काम करती थी और कितनी इंडिपेंडेंट थी। सो तुम्हारे साथ हुआ मेरे भाई की ये, इन्होंने जो अभी बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं शायद इनका तो एक्सीडेंटल था। तो मेरे भाई अल्लाह बख्शे, उनको कहते हुए भी बहुत दफ़ा अजीब लगता है, डॉक्टर खावर हुसैन खान, प्रोफेसर मेडिसिन और साथ में वो ऐसे डॉक्टर थे कि उनकी पिक्चर भी हमने चलाई हो, वो ऐसे डॉक्टर थे कि उनसे फ़ोन पे कोई पूछे कि ये चीज़ है, उनके इतने, जिस तरह अभी आपने कहा ना हाथ में कुछ होता है, शिफा होती है, तो फ़ोन पे दवाई बताते थे तो आपको यू फाइन। हाँ, हर बाई दिन ये हो गया, अच्छा भाई ये 2 बजे आप उन्हें रात को फ़ोन करें, 1 बजे करें, जितने लोग उनको जानते थे यार हर बाई इनको फ़ोन करके पूछ लेते हैं क्या है। सो उनको अनफॉर्चुनेटली ये जो पिक्चर्स कुछ हैं शो की, जब कोविड शुरू हुआ था तो मेरा जो शो था वो रमज़ान उस वक्त था। हाँ, तो पूरा महीना वो शो पे आए और पूरा महीना सारी लोगों को बताते रहे मास्क पहने, यूं करें, वो करें, हाथ ना मिलाएं, पूरी जो उसकी प्रिकॉशंस होती हैं। अच्छा अच्छा, वो हो गया जब वो ज़ाहिर है अपने हॉस्पिटल में इधर उधर, तो उनको कोविड हुआ। ओके अच्छा, वो जिस हॉस्पिटल में, इन्होंने कहा मुझे कितनी नेग्लिजेंस है हमारे मेडिकल की साइड पे, कि इट्स आयरॉनिक और ऐसे जाहिर करते हैं कि जी ऊपर ऊपर से ना, ताकि वो यूं हो गया और फिर बड़ा अफसोस हुआ और फलाना फलाना फलाना। एनीवेज वो एडमिट हुए। अब उधर क्योंकि वो प्रोफेसर थे, उनके सारे स्टूडेंट, वो एक नया, इन्होंने इस्लामाबाद के करीब चकशहजाद एक जगह है, वहाँ पे एक ये कोविड हॉस्पिटल जो था, स्पेशल कोविड टाइप की जगह जो थी, बड़ा फैंसी और बड़ा अजीब, वहाँ पे आपको सूट पहन के जाना है, अबला अबला ये सारी चीज़ें। लेकिन अंदर जो चीज़ हो रही होती है वो, क्योंकि प्राइवेटली वो कोविड हॉस्पिटल आई, वो था हॉस्पिटल फॉर कोविड, ये आपका XYZ। अच्छा, तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स और वो सारे थे, बड़ा फैंसी था। अच्छा, उधर उनके स्टूडेंट्स भी थे, अब वो शिफ्ट हो गए, ठीक हो गए, ठीक हो के गए हैं तो वो रिलैप्स हुआ उनको। ओके तो दोबारा वहाँ पे आए। हाँ, तो दोबारा जब आए तो मैं कोई 8-10 दिन जो है ना, मैं वो सूट पहनती थी पूरा, कैप और वो सारा। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए क्योंकि इवेंचुअली तो कोविड सबको हुआ। हाँ, ये नहीं कि जो हाथ ना लगाएं, वो ना करें, उधर ना जाएं। तो वो मैं हिम्मत करके, मुझे तो नहीं हुआ उसके बाद भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, थोड़ा बहुत जो माइल्ड सा अगर कभी हुआ था तो वो खुद ही ठीक हो गया। कोविड से डेथ हुई नहीं, वो कोविड रिलैप्स हुआ उसके बाद, क्योंकि उनके थोड़ा सा हार्ट में स्टेंट लगे थे, तो वो आई थिंक ये 20 मई 2021 को उनकी डेथ हुई थी। तो वो 2-3 दिन पहले वो क्या, क्योंकि खुद डॉक्टर थे वो, उनके वो पल्स जो है वो लगी हुई थी, वो देख रहे होते थे कि ऑक्सीजन जितनी है नहीं है। तो वो मुझे 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा कि इनके पास हार्ट की फैसिलिटी नहीं है, दे आर नॉट गुड। भाई आपने एक दूर हॉस्पिटल खोला है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ कोविड का पेशेंट जाएगा, कोविड के पेशेंट को शुगर भी हो सकती है, इतना तो एक ले मैन मुझे पता है। आपने वहाँ पे वो सारे फैंसी किस्म के लड़के लड़कियाँ डॉक्टर्स नहीं होते, जो कि इधर से उधर तक अगर जाएंगे तो 10 मिनट लगेंगे उन्हें, क्योंकि वो इतनी वॉक करके, कैट वॉक हो रही होती है वहाँ पे। तो मैं तो उसके बाद मैंने एक वीडियो भी बनाया था उनके लिए कि इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। उन्होंने कहा मुझे फील होता है कि इनके पास हार्ट की चीज़, जैसा डिफिब्रिलेटर नहीं, CPR होती है कि आप वो, अगर आपको एंजाइना या कुछ भी हो तो आपको वो झटका देते हैं, शॉक्स देते हैं। लेकिन अगर वो शॉक्स के लिए टाइम के लिए आपको 2 घंटे लग रहे हैं जाके मशीन को घसीट के लाने में,
जितने सुस्तल वजूद वहाँ पे डॉक्टर्स थे, यंग लड़के लड़कियाँ, पता नहीं वो क्या खाते थे पीते थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो नॉर्मल हैं. सॉरी टू से आई एम सेइंग दिस ऑन एयर बिकॉज मैंने खुद देखा. अच्छा, जब वो कहें भाई वो किनोला उनका लगना है, मैं जाके कहूँ, एक कमरा होता था वहाँ पे की काका कुकू हो रहा है वहाँ पे बैठ के, भाई आपका इतना इम्पोर्टेंट काम है, आपका कौन है, आपका हेड है, हेड जो है उसकी तनख्वाह 20 लाख रुपए है, जो वहाँ पे वो जो डफर किस्म के डॉक्टर थे जिनको कुछ नहीं है, एक उससे पूछ रहा है उससे पूछ रहा है उनके उनकी क्या क्या तनख्वाहें हैं जी, क्योंकि इनकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी की, फैंसी स्कूल से नहीं आते जो आपके हाउस जॉब करने जो कि आपकी ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं ना, तो उनकी 5-5 लाख रुपए तनख्वाह. ठीक है, मैंने कहा वाह भाई, फिर तो बिल्कुल इनको दौड़ के जाना चाहिए, इतने पैसे मिल रहे हैं. ये उनको पता है कि अंदर ही अंदर कुछ हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ना, जिस तरह इन्होंने कहा कि पता ही नहीं चला. एनीवेज, खाना आप देखें, इतनी महंगी जगह जहाँ सूट पहन के आप कोई लग रहा है स्पेसशिप में जा रहे हैं. ये जो भाई आपके सबसे बड़े भाई, नहीं सबसे मेरे से बड़े वाले, आपके आपसे बड़े, लेकिन इनसे कैसा रिलेशन था मिशी का? यार मैं बचपन में मुझे स्कूल ये छोड़ते थे, स्कूल से लेना, मतलब मैं उन मेरे उनमें कोई 13 ईयर्स का डिफरेंस. लाड उठाने वाला भाई नहीं होता, ऊपर तले वाला साइकिल पे खावर भाई जन जिधर जा रहे हैं मैं भी जाऊंगी. हाँ. तो मुझे भी बेचारे को लेके जाना पड़ा हर जगह हर जगह. सो उनके साथ मेरा एक बड़ा एक्सचेंज और बड़ा एक डिफरेंट टाइप. हम लोग बातें भी बहुत करते थे, लड़ाई भी बहुत होती, लड़ाई उस तरह नहीं कि नहीं आपको नहीं, दोपहर को दुनिया इधर उधर हो जाए उनको सोना होता था. पर लेकिन अगर फोन करेंगे या फोन उठाएंगे वो. हाँ. नींद में मैं सो रहा था. हाँ. गर्मी बहुत है, एक तो गर्मी से उनको बड़ी कोफ थी. हाँ. और खैर नहीं, वैसे ये हुआ सारा. हाँ. तो वही हुआ, नेक्स्ट डे दोपहर के 2:30 बजे थे. हाँ. और वो एकदम से उनको फील हुआ कि वो वही वाली बात कि वो बाय द टाइम वो मशीन आई और बाय द टाइम उन्होंने उनको शॉक्स दिए, इट वॉज टू लेट. और मैं वो क्योंकि I was the only one there. वो मुझे सारा सिनेरियो कभी याद आता है. I want to go back in time. क्योंकि एक आदमी को पता है कि ये चीज़ है. आप लोग हॉस्पिटल्स खोलते हैं, आप लोगों का इतने बड़े ओथ लेते हैं, आप लोगों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि एक आदमी पहले से कह रहा है आपको, आपका प्रोफेसर आपके स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का बनता नहीं है कि आप मशीन ला के रात को रख दें उधर, क्या अगर खुदा ना करे कुछ हो तो चले इनको इधर, ऊपर से फिर एक्टिंग कर रहे हैं, उधर से भाग रहा है एक आदमी. उस लड़की को मैं कह रही हूँ तेज़ जाएं, और मैं चीख रही हूँ और मैं आई एम हिस्टेरिकल देयर. ये मैं आज फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस ऑन एयर दैट मैं कह रही हूँ यार खुदा के लिए तेज़. हाँ हाँ, डोंट वरी, वी आर डूइंग इट. खैर वो ही पास्ड अवे, वही वाले के अब जीवे वो बनाए, फलाना बनाए, डमका बनाए. मैं इतना और वो सारा ट्रॉमा, आई वॉज दी ओनली वन विद हिम एट दैट टाइम. और मुझे आज तक गुस्सा है कि उस घटिया हॉस्पिटल में हमने क्यों उनको दाखिल कराया. ठीक है, अब वो बाली बात है, हर कोई कह रहा होता है जी ये रुक जाए, मंजूर यही था. लेकिन देखिए आधे यहाँ पे जो लोग पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में मरते हैं वो इंसानों की नेग्लिजेंस से मरते हैं. आप कैसे ऐसी चीज़ अल्लाह ताला के ऊपर डाल सकते हैं कि जी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि इनकी बेटी जो है खून में लथपथ थी और उन्होंने वो घर चली गई आराम से जो भी थी. किस तरह आप लोग कह सकते हैं, आप लोग कैसे ओथ लेते हैं आप लोग, और आप लोगों को जो भी ऐसे करता है उसके साथ दुनिया में बुरा होता है और होगा, क्योंकि आपने हर चीज़ जो बुरी होती है जी अल्लाह ताला को भी मंजूर. कैसे है यार, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से दूसरा मरा है. छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग टॉक्स. उमर भाई के इंतकाल के बाद अफसोस करने के बाद हमारी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम उनके ऊपर बात कर सकें, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई. जबकि जब हम ज़रीन से मिलने अफसोस करने भी गए थे तो हम उमर भाई की अच्छी बातें याद करते रहे. क्योंकि उनके लिए ऐसा होता था ज़रीन कि एक बंदा सबको हंसाता रहता था. इतनी लाइवली पर्सनालिटी, सो वो समझ नहीं आ रहा था कि उनके बारे में बंदा कैसे अफसोस से बात करे, क्योंकि वो तो हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट ही बिखेरते रहे हैं सबके. और तुम कितना अरसा तुम लोगों की शादी को हुआ?
20 साल हो गए, 20 साल, और मेरी जो दुनिया है ना वो पूरी दुनिया उमर के गिर घूमती तो मैं तो देखती थी ना तुम्हें, मेरा तो मतलब देखा है तुम्हें, मेरी मतलब उमर के साथ ट्रैवलिंग, हाँ। मेरा तो ये था कि उमर सो गया है, मैं भी सो गई, उमर उठ गए, मैं भी उठ गई। उमर भाई तुम्हारे लिए बच्चे भी थे तुम्हारे, हाँ। तुम्हारे हस्बैंड भी थे, मैं सारे उनके, वो मेरे सारे नाज नखरे उठाते थे, मैं भी उनके सारे नाज नखरे उठाते, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी उन अपने शौहर का काम कभी किसी नौकर से नहीं करवाया, मैं उनके सारे काम मैं खुद करती थी, उनके जूते तक भी मैं उन्हें खुद पहनाती थी, अगर उन्होंने मुझे बोला है कि जरी ब्लैक ड्रेस, वो मुझे कहते भी थे कि नौकर है, उसे कहती थी बताएं ना ब्लैक ड्रेस पहनना है, अब उनकी वार्डरोब में 20 ब्लैक ड्रेस है तो मैं एक एक ला के दिखाती थी, उमर ये वाला ये वाला ये वाला, फिर उसके साथ मैचिंग शर्ट्स, मैं सारे काम उमर के खुद करती थी, फिर उनके ट्रैवलिंग, फिर उनकी प्रोडक्शन संभालना, तो मेरी जो थी ना पूरी दुनिया बस उमर शरीफ उमर शरीफ उमर शरीफ, मुझे हर जगह उमर शरीफ, और घर में भी चूँकि जैसे उमर उमर वो नहीं उनमें से नहीं थे कि जैसे हो ना कि जी, बहुत ज़्यादातर हम कॉमेडियंस का सुनते हैं कि जी ये कॉमेडी करते हैं बट ये लोग अंदर से सीरियस होते हैं, उमर ऐसे नहीं थे, उमर के साथ बैठ जाओ तो बस एक रौनक लगी होती थी, तो घर में भी मतलब अब मेरे तो मेरे को औलाद नहीं है लेकिन आप यकीन जानो मेरे घर में इतनी रौनक होती थी कि हम मैंने कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं, कभी इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया, हम लोग के सुबह से लेकर रात तक ना एक मतलब एक इतना अच्छा माहौल होता था, और वो एकदम से जैसे उमर गए हैं ना तो मेरे तो मुझे तो कुछ समझ भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, सुबह उठ के मतलब मैं अब तो सोचो कि उमर का टीवी ऑन नहीं करती, अब मेरा कुछ खाना बनाने का दिल नहीं करता जैसे होता था, मैं तो पूरी ट्रॉली सजा के ला के, मुझे होता था कि ब्रेकफास्ट भी मैं कहती थी भाई किंग है ना, किंग ऑफ कॉमेडी है तो ये घर के भी किंग है, तो उनको ट्रीट मैं वैसे ही करती थी, उनका एक और उनका एक लाइफ स्टाइल भी था वैसे ही, तो उनको सब कुछ मैं वैसे ही ट्रीट करती थी, उनका ट्रॉली सजाना, उनके लिए खाने का वो करना, फिर उनको शौक़ था दोस्तों को घर पे बुलाना, उनको लोगों को खाने बना के खिलाना, तो वो सब एहतमाम करवाते थे, तो मैं कभी ये नहीं कहा कि नहीं भाई ये रात के 2 बजे को ही आ रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है जो उनका आखिरी इंटरव्यू था जिंदगी का, वो हाँ, उन्होंने मेरे साथ हाँ, था, और तुम ही उनको लेकर आई थी, तुम उनको चाहती थी लाइफ की तरफ वापस आए, देखा था मैंने, हाँ, डिप्रेशन हाँ, का वो शिकार हो गए थे अपनी बेटी के इंतकाल हाँ, के बाद, वो जिस डिप्रेशन में थे जब उनकी बेटी को वो किडनी का वो हुआ, जब उसके दोनों किडनी फेलियर हो गई, तब उमर ने मुझे कहा, अच्छा मैं उमर पर ना किसी चीज़ पर प्रेशर नहीं डालती थी, जब उन्होंने मुझे कहा ना कि जरी ना मुझसे कॉमेडी नहीं होगी, तो मैंने कहा ना करें उमर, आपको अब कॉमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने माशाल्लाह इतना काम किया, आप 14 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, आप लोगों के इतना काम है, आपको आप ना करें, तो मैं ना मेरे घर में भी लोग मिलने आते थे ना, तो मैं पहले गेट पे जाके बोल देती थी कि भाई किसी ने उमर शरीफ से ये नहीं कहना है कि जी आपका नया शो कब आएगा, अब आप काम कब शुरू करेंगे, किसी ने उमर से ये बात नहीं करनी, तो मैं किसी को ना करने देती थी ना खुद करती थी, अगर मैं जैसे किसी जैसे तुमने अब तुम्हें वो बहन भी बोलते थे, और एक बार याद है वो तुमके तुम्हारे शो में आने के लिए, क्योंकि वो मॉर्निंग पर्सन नहीं थे, वो तो ज़ाहिर है सारी रात को उनके होते थे, तो वो पूरी रात जागते रहे कि मुझे निदा ने कहा भाई मेरे शो में नहीं आया है, मेरा नया शो शुरू हुआ है, फिर काजी मंगल मिले, तुम्हारी अम्मी मिली कि भाई मेरी बेटी के शो में क्यों नहीं जा रहे, हम एक शादी में मिले थे, मैंने कहा नहीं नहीं मैं लेके जाऊँगी ज़रूर, तो फिर वो शो में आए, तो फिर पूरी रात जागते थे उमर के निदा सुबह सुबह सोते नहीं थे, फिर यहाँ से जाके सोए, लेकिन ये कि वो उमर शरीफ का मतलब वो था कि एक उमर शरीफ ना मतलब एक आर्टिस्ट तो थे लेकिन एक अच्छे इंसान, एक इतने अच्छे शौहर, किस तरह से उन्होंने मतलब फैमिली को लेके चलना है, दोस्तों को लेके चलना है, उनका ये होता था पब्लिक भी मुझसे नाराज़ ना हो, यही वजह है कि पब्लिक जो उमर से इतना मोहब्बत करती थी तो वो नज़र आता था, उमर मतलब लोगों को डांट भी था, आज भी आप किसी आर्टिस्ट को कुछ कह दो तो वो पब्लिक नहीं सुनती है, वो आगे से जवाब दे देती है, मगर उमर के लोग बात सुनते भी थे, ये बात उमर के उमर तो ड्रामे में पता नहीं क्या क्या लोगों को बोल देते थे, बैंड वालों को भी बहुत दफा झाड़ देते थे, वो तो चलो एक आपके साथ है ना, एक पब्लिक, एक आदमी टिकट खरीद के आया, ऐसे मुझे याद है कि ऐसे ना स्टेज पर ना यूँ पैर रखे ना बैठे हुए, आप उमर पहले कर्टन से यूँ देखते थे, फिर उमर ना छड़ी लेके आए और उमर ने ना उसके पैर यूँ मारा, हैं इधर यहाँ खड़े हो के हम यहाँ पे जो है ना इबादत की तरह काम कर रहे हो तो हमारे ऊपर पैर रख के, वो कह रहे उमर भाई उमर भाई उमर, कह रहे नहीं अब रखा रहे जब तक मैं मार रहा हूँ ना रखे रहो,
तो पब्लिक इतना प्यार करती थी, किसी चीज़ को उम्र से बुरा नहीं मानती। तो बस मेरे लिए अब जैसे ये बता रही हैं या मुस्लिम भाई ने बताया है, इस ये सारी चीज़ों को मैं खुद फेस कर चुकी हूँ। क्योंकि जब मुझे डॉक्टर ने बुलाया और जब उन्होंने बोला कि इनको अभी लास्ट मंथ हार्ट अटैक हुआ है और इनकी जो एक वॉल्व है वो लीक कर गई है, तो मैंने कहा कि अच्छा, मेरा ये होता कि मैंने कहा हार्ट अटैक कैसे हुआ उन्हें, अभी मैंने कुछ टाइम पहले उनके टेस्ट कराए, वो ठीक थे। जैसे हम बात करते हैं ना विल पावर की, तो कभी कभार इंसान अपनी विल पावर जितना भी वो स्ट्रॉन्ग हो, कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ होती है जब वो विल पावर छोड़ देता है। और उमर भाई की विल पावर जो कम हुई उनकी ज़िंदगी में वो उनकी बेटी के जाने के बाद। अबल तो उसका ऑपरेशन होना ही नहीं चाहिए था, देखो डायलिसिस में बहुत बच्चे जी। हाँ, तो उस वो उमर को बहुत तकलीफ थी, हम अमेरिका में थे, तो मैं जो उमर को यहाँ लेके आई हूँ, अब वो जो बेटी को तुम मुझे बता रही थी जरीन के उमर भाई जो थे वो सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं सबको हंसा रहे होते थे, बल्कि वो वैसे भी उनकी नेचर भी ऐसी थी कि वो लाइवली थे, हंसती मजाक वो हर चीज में से निकाल ले। तो वो तुम्हारे साथ भी लाइक इसी तरह थे, फन लविंग? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हम लोग का तो हंसी मजाक, और मैं उनसे इतना मजाक करती थी, तो मैं कहती थी भाई आप किंग ऑफ कॉमेडी हैं और मैं क्वीन ऑफ कॉमेडी, मैं आपको हंसाती हूँ। जैसे होता है ना, जैसे आज का बेसिकली मेरा शो ये था कि हम अपने प्यारों की यादें डिस्कस करें। सो वो अब जैसे मेरी अम्मी की कोई ख़ास एक बेडशीट थी जो उनको पसंद थी, वही उनके बिस्तर पे डली होती थी, तो वो जब हम या उनको याद करते हैं तो वो बेडशीट हम डाल लेते हैं। उमर भाई का कोई फेवरेट तकिया, कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारे पास उनकी निशानी के तौर पे, जैसे इनके पास उनकी बेटी का दिया हुआ पर्स है? मेरे पास उमर की सारी चीज़ें हैं, तो उनके पूरे सारे कपड़े हैं, उनके शूज़ कलेक्शन हैं, ज़ाहिर बिस्तर वो, बट उमर की एक डायमंड रिंग है जो उमर पहनते थे हमेशा से, वो पहनते थे क्योंकि उनका 9 लकी नंबर था, तो 9 उन्होंने डायमंड लगवाए हुए थे। अल्लाह, और वो हर वक्त उनकी हाथ में रहती थी, तो वो मेरे पास है। मतलब उमर की बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं और वो मैंने ऐसे ही रूम में सजा के रखी हुई है। मतलब वो बस मैं सो के उठती हूँ, मेरे तकिए के नीचे उमर की एक तस्वीर होती है, मैं जब सो रही होती हूँ पहले अल्लाह से उनके लिए दुआ करके फिर उनको देख के बोल के फिर सोती हूँ, कह के अल्लाह पाक बस उमर को आपने बहुत अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना है, उनकी कब्र में अपनी नूर की रोशनी रखनी है, उनको पंजतन के साथ रखना है। क्योंकि मेरे उमर ना बहुत इन आपको पता है इतने मानने वाले थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैं आपको एक वाक्य बताऊँ, मतलब उमर मैं अभी बता रही थी उनको कि उमर जो है ना काबा शरीफ के अंदर गए, तो कह लें कि कैसे गए, मैंने कहा आप मैं बताऊँगी वहाँ पर कि उमर शरीफ काबा शरीफ के अंदर कैसे गए। तो कि जैसे तो ना कोई वो मिनिस्टर ना कोई प्रोटोकॉल के कि भाई काबा शरीफ के अंदर हर कोई तो नहीं जा सकता, तो उमर ने बहुत पहले की बात है, 80s की बात है, उस जब उमर उमरा के ने गए ना, तो उन्होंने एक खत लिखा, खत लिख के ना वो ऐसे तवाफ़ करने के बाद ना जो दरवाज़ा है ना काबा शरीफ का, उससे ना खत अंदर डाल दिया। अच्छा, वहाँ तो कैमरे लगे, 2 मिनट में वो सारी पुलिस आ गई, तो उसने आके पूछा कि ये तुमने क्या डाला है? तो अच्छा, पहले तो पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा, उमर ने बताया कि मैं पाकिस्तानी, तो एक उर्दू जो बोलने वाला था उसको बुलाया, फिर उसने पूछा कि तुमने क्या डाला है, तो उमर ने कहा मैंने खत डाला। तो वो कहेंगे खत किसको? कहेंगे अल्लाह को। तो कहेंगे अल्लाह को खत? कहेंगे क्यों? कहेंगे बस कुछ मेरी बातें थी तो मैंने जो है ना लिख दी हैं। तो उसने कहा कि लिख दी अल्लाह को, तो उसने कहा कि अल्लाह तो हर जगह सुनता है, तुम्हें क्या इस बात पे बिलीव नहीं? कहने लगे नहीं, उमर कहने लगे नहीं, ये बात पे तो बिलीव है कि अल्लाह सुनता है हमारी बातें, रिमाइंडर की तौर पे लिख दी है कि रिमाइंडर है। तो वो हंसने लगा, फिर उसने कहा चाबियाँ मंगवाई और उसने ना दरवाज़ा खोला, उसने कहा जाके ख़त उठा के लाओ जो तुमने डाला। अब सोचे उमर ख़त उठाने के लिए गए हैं अपने अंदर, और उमर ने वहाँ काबा शरीफ के अंदर गए, उमर ख़ुद ख़त उठा के लाए, उमर कह रहे मैंने दुआएं वगैरह मांगी। तो मतलब ये अल्लाह की तरफ से एक बुलावा था कि किस तरह से मतलब वो हुआ। तो उमर बाहर आए, तो उमर ने उसने फिर वो ख़त पढ़ा, तो वो हंसने लग गया, तो कहने लगे कि तो ये तुम्हारी मोहब्बत है भाई कि तुमने इस तरह सोचा। और इसी तरह उमर का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये था कि मतलब उमर जो है ना दुरूद पाक बहुत पढ़ते थे,
और उमर क्या कहते हैं पंजतन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बुजुर्गान दिन मैंने इतनी दुआ, मैंने नहीं देखा उमर ने कभी ड्रामा शुरू किया हो या कोई शो शुरू किया, कोई प्रोग्राम उमर सबसे पहले न्याज देते थे, उसके बाद उमर जो जिन नाम लेना शुरू करते थे ना, मैंने इतने नाम कभी किसी के मुँह से सुने ही नहीं, एक एक को नाम लेके उमर बख्शते थे और उसके बाद जो है ना उमर अपना शो या ड्रामा कोई भी शुरू करते। माशाल्लाह। उमर भाई के लिए आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगी एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ यहाँ चार अमेजिंग सेलिब्रिटीज मौजूद हैं, गरीबी इसलिए मैं सेलिब्रिटी कहूँगी क्योंकि एक ज़माने में ये भी ज़रा इस फील्ड में थी और उसके बाद फिर वो उमर भाई की होके रह गई थी। सो मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ जिक्र करूँगी, आप लोगों की यादें डिस्कस करूँगी, लेकिन ज़ाहिर है आप चारों की जो कीमती चीज़ें थी, कीमती लोग थे आपके लिए, कीमती शय थी आपके असासा थे, वो जब उनके बारे में बातचीत शुरू हुई तो वो इंसान फिर नहीं रुक पाता। सो मैंने ये आप लोगों की यादें इस बॉक्स में रखी हुई थी कि ये असासा होता है, हमारी यादें हमसे कोई नहीं छीन सकता, ऐसा ख़जाना होता है, चाहे वो अच्छी यादें हों, चाहे वो बुरी यादें हों, चाहे वो आपने आपके प्यारों से जुड़ी हुई यादें हों, वो आपसे कोई कभी नहीं छीन सकता। और जब आप कभी डिस्कस करते हैं, आप जैसे आपकी वाइफ आपसे अपनी बेटी की बचपन की बातें हैं या वो सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं, वहाँ कहीं आपके दिल में थोड़ा सुकून आता होगा कि फातिमा का जिक्र होगा। निदा साहिबा, अब तो यादों के सहारे ही जी रहे हैं ना। बिल्कुल, हर कोई किसी न किसी याद के सहारे जी रहे हैं, बस यादें हैं उनके लिए, उनकी औलाद के लिए, सबकी इसी चीज। मैं नुमान आपसे कहूँगी कि आप किसी की याद से शुरू करते हैं, आपके अब्बा के हवाले से, जिनको आप एडमायर करते हैं, आप प्राउड फील करते हैं कि वो इतनी हार्ड वर्किंग आदमी थे और उन्होंने किस तरह मेहनत मुशक्कत से आपको पाला, और आप जो भी हैं उन्हीं की मेहनत का सिला अल्लाह ताला आपको दे रहा है, आपकी मेहनत का भी। वैसे भी बच्चे जज्ब करते हैं अपने पेरेंट्स से, अगर वो अपने पेरेंट्स को इस तरह हार्ड वर्किंग और ईमानदार देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके बड़े भाई हों, वो पेरेंट फिगर जैसे हों, वो वाली चीज़। ये ईद वाले दिन पराठे, हमारे घर का एक वो शुरू से रूल था कि अम्मी जो है ना, मैंने जैसे बताया जॉब करती थी, तो उनकी ईद के पहले दिन ड्यूटी होती थी अम्मी की पहले अच्छा। दिन ड्यूटी होती थी। अच्छा। क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन कंपनी में होती थी। अच्छा। एक ही है। हाँ। तो वो लोग ईद पे कॉल करते थे, दो लोगों को जो है ना वो जॉब करनी पड़ती। तो हम, मैं भाई, हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाते थे, नमाज़ पढ़ के जब निकलते थे तो रास्ते से हमारा ये था कि हम पराठे लेके घर पे आते थे। हमारा ईद का ब्रेकफास्ट वही होता था, पराठे, और अब्बू के साथ बैठ के खाते थे। हाँ जी, हम लोग सारे साथ बैठ के जो है ब्रेकफास्ट करते थे। अम्मी उस वक्त नहीं होती थी, अम्मी दोपहर तक आती थी, तो ब्रेकफास्ट करके पराठे खा के और उसके बाद सीधा कब्रिस्तान जाना, यह हमारे ईद का जो है रिवाज था। और मैंने कभी ऐसी कोई ईद गुजारी ही नहीं कि जिसका जो है ये थोड़ा सा भी चेंज हो, यही हमारी ज़िंदगी का चलता है। मेरी, मैंने जैसे बताया कि सिर्फ अब्बू ने ही नहीं, अम्मी ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है ईद के दिन जॉब करना। आप सोचें, आप अगर हमें कहें कि ईद के दिन शूट है, हम तो साफ मना करते हैं, भाई ईद के दिन कौन शूट करेगा, लेकिन वो ईद के दिन भी सुबह 6 बजे उठ के जाती थी। बड़ी बात है, हमारी नमाज पढ़ने जाने से पहले वो जॉब पे जाती थी, क्योंकि ताकि जो है, मैंने देखा आप अपनी अम्मी की बहुत कदर करते हैं, माशाल्लाह, घूमने भी फिरने भी जाते हैं तो अम्मी साथ होती है, जाहिर है उनको कौन लेके जाए। उसकी वजह ये थी कि जब मेरे फादर का लास्ट वक्त था, जब डॉक्टर ने बता दिया था कि अब कुछ नहीं कह सकते, तो फादर जो है ना बोल नहीं पा रहे थे, वो जो है कोमा में थे। तो मैं उनके पास गया और मैंने आज तक ना अपने फादर को ना कभी किस नहीं किया था, मैंने कभी नहीं किया था, लड़के नहीं होते ना, कभी नहीं किया था। हाँ। मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, आप परेशान मत हो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी अम्मी का ख्याल रखूँगा। उस दिन से मैंने अपनी माँ के लिए कोशिश करता हूँ कि उनको दुख ना हो, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ, कि माँ बाप का जो नेमल बदल है ना, वो कोई हो नहीं सकता। आप सब लोग जिक्र कर रहे हैं कि मैं अपने भाई के पास थी, मैं अपने मियाँ के पास थी, मैं बेटी के पास था और मैं उधर जाता नहीं हूँ, और मैं बदनसीब ऐसी हूँ कि जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो उनके पास ही नहीं थी।
मैं उनको खुदा हाफिज़ करके गई कि आप ठीक है, मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ, कोरोना के बाद अब वेकेशन उनको मिली है तो आप ठीक है ना? कह रही हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और जब मैं वहाँ मालदीव पहुँची हूँ, एक दिन गुजरा है, कोविड में आप एकदम भी नहीं वापस पलट कर आ सकते, आपको टेस्ट कराना पड़ता है। और वो जो जिस सुबह मुझे पता चला है, वो दिन जिस तरह मैंने गुजारा, दुआएं मांग के अल्लाह मियां मैं किसी तरह पहुंच जाऊं, मैं तो वहाँ पहुंच ही सकी, मैं आखिरी वक्त में उनके पास नहीं थी, और सारी ज़िंदगी ये चीज़ मुझे सुई की तरह चुभती रही। मेरी बहनें मुझे समझाती है कि देखो ये देखो, तुम जो हो ना, वो आखिरी वक्त भूलना बहुत मुश्किल होता है। उनको जब आखिरी वक्त याद आता है, उनके आंसू से कतार सारों कतार आंसू बहने लगते। मैं बदनसीब वो वक्त याद नहीं कर सकती, मैं थी नहीं, पता नहीं ये सज़ा है कि क्या नहीं, है नहीं, ऐसा नहीं सोच, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि, लेकिन मेरी बहन मुझे यही समझाती है कि देखो फिर वो तुम वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो चीज़ वो बहुत तकलीफ दह चीज़ होती है, आखिरी वक्त याद करना आपकी आंखों के सामने अपने वालिदैन का चले जाना। लेकिन नीता साहिबा, हम बहैसियत मुस्लिम इस चीज़ पे हम खुद को काबू कर लेते हैं कि ये अल्लाह की रजा थी, ये हुक्म रब्बी है। और ये जब चीज़ें सोचते हैं ना कि अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए, तो यही चीज़ें हैं जो आपको सब्र दे देती हैं, और आपकी ये चीज़ें सारी आप उस हद तक सोचते हैं कि बस अल्लाह मियां अब तू ही रहम करने वाला, तेरी अमानत तेरे पास चली गई। मैं भी जब उमर को जर्मनी से लेके आई हूँ ना, तो अब यही जाने मैं उस जब जहाज़ में बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ मैं उमर के साथ सारी ज़िंदगी साथ ट्रैवल करते थे, और कितनी दफ़ा फ़्लाइट ख़राब हो जाती थी तो मैं जैसे सो रही होती थी तो उठती थी तो मैं देखती थी उमर पढ़ रहे होते थे, तो मैं आप यकीन जाने ख़राब फ्लाइट में भी सो जाती थी आराम से कि उमर शरीफ पढ़ रहे हैं, उमर पढ़ रहे हैं, मुझे इतना उन पर उनकी पढ़ाई पर इतना बिलीव होता था। और जब मैं जर्मनी से उमर को ले कर आ रही थी तो मेरी यही कंडीशन थी कि हम एक जहाज़ में हैं मगर एक साथ नहीं है, और अब मैं उमर को ऐसे लेके आ रही हूँ, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि मैं उमर को लेके आ रही हूँ, मैं मुझे तो वो लेके जाते थे, ये वाकई बहुत मुश्किल चीज़। अल्लाह पाक सबके दर्जात बुलंद करे, उनकी मगफरत फरमाए, अगली मंजिल आसान। मेरे ख्याल में जब भी कोई आपका बहुत लव्ड वन, माँ बाप बहन भाई जाते हैं तो आपका हर जिंदगी का हिस्सा साथ ले जाते हैं, उसकी कमी कभी भी नहीं पूरी हो सकती, हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। और वो जब भी आप आंख देखते हैं, क्योंकि मतलब आप सोचते ही नहीं ना कि ये लोग कभी जाएंगे, तो आप बहुत दफ़ा ग्रांटेड भी लेते हैं, नहीं भी लेते, लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि जब जो जिस वक्त आपके पास है ना दुनिया में, मैंने देखा अक्सर लोग महीनों महीनों सालों सालों अपने खून के रिश्तों से इतने करीबी लोगों से नाराज़ हो जाते हैं, बात नहीं करते। मैं यही कहूँगी जब वो चले जाते हैं ना तो फिर आपको एहसास होता है कि ये हमारे मज़हब में भी है, 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी नहीं होनी चाहिए किसी से भी। यहाँ मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँगी, लेकिन जाने से पहले एक बात कहूँगी, जब आपका अपना प्यारा जाता है ना, आपको समझ नहीं आती आप किस पे गुस्सा उतार रहे हैं, आप क्या करें, आपको लगता है पूरी दुनिया आपके साथ बेईमान हुई हुई है, ऐसी फीलिंग हर किसी को आती है, जज्बाती भी होते हैं, और किसी के साथ सही हुआ होता है, किसी के साथ कुछ हुआ होता है। यहाँ इस वक्त वो एक डिस्क्लेमर मैं प्रोग्राम के एंड में देना चाहूँगी कि यहाँ इस वक्त जिसके साथ भी जो भी कहीं भी ज्यादती हुई, ये उनका अपना मौक़िफ़ है, इसका चैनल डॉक्टर या हॉस्पिटल, वो मतलब एक हमने जिक्र नहीं किया, उनका अपना मौक़िफ़ है और उनके अपनी फीलिंग है। मैं ज़रूर इसके लिए कहना चाहूँगी, आई एम सॉरी, मैं ज़रा जज्बाती हो गई थी, एंड इट्स ऑल माय, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैंने खुद दूसरों के जज्बात में आके ऐसा बोला, जब मेरा मतलब वो नहीं था, बड़ा आप हो जाते हैं। आई नो सो बस मैं सिर्फ ये यहाँ कहना ही चाहूँगी, एक्सक्यूज़ करना चाहेंगे अगर हमने किसी का नाम लिया हो, लेकिन ये है कि वो उनका अपना पर्सनल, एक इंसान जब टूटा हुआ होता है इमोशनली तो वो उसको लाइक होता है कि उसको उस वक्त क्या नाप तोल के बोलना चाहिए कि नहीं, हम सब अडल्ट्स हैं और सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो वो यहाँ चैनल का और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, वो अपना उनका पर्सनल मौक़िफ़ है। मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ, ये एक इतनी पर्सनल चीज़ है जो आप सब ने यहाँ डिस्कशन की है, ये एक बहुत पर्सनल टच होता है, मगर हम इंसान हैं और हमारी ज़िंदगी हर किसी के साथ दुख जुड़े हुए हैं। आप किसी को जज नहीं कर सकते कि यार ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, यार इसने ये क्या कर दिया, ये कैसी बात कर रहा है,
आपको नहीं पता कि अंदर कितने लावे, कितने सैलाब, कितने दुख, कितने पहाड़ों से झेलकर आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। महंगाई है, यहाँ एक किसी का रोना है, वहाँ किसी का रोना है, हर किसी की ज़िंदगी में गम है, ये दुखों के साथ, इस पूरे पैकेज के साथ ये ज़िंदगी है, वरना ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं होती, मौत ना हो जाती अगर सीधी लाइन होती। सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह मियां आप लोगों को विल पावर दे, मुझे भी विल पावर दे, हिम्मत दे अपने गमों को भुलाने की, अपने प्यारों को, उनको कभी हम नहीं भूल सकते और ना हमें भूलना चाहिए। हम उनके कब्रिस्तान जाना नहीं रुकेंगे, हम उनके लिए दुआएँ करना नहीं भूलेंगे, उनके उनके लिए हमेशा ये दुआ हर नमाज में कि जन्नत में अल्लाह ताला उनको एक आला मकाम दे, एक खास जगह दे। सो हम उन सब प्यारों के लिए दुआ गो हैं और आप भी यहाँ इन सब के लिए। आपकी इजाज़त से एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपने जिक्र किया, वो लोग जो अपने माँ बाप से नाराज़ रहते हैं या अपने बहन भाइयों की वो मोहब्बत नहीं है, खुदारा ये मोहब्बत है, इनको समेट लें। अपने माँ बाप अगर नाराज़ हैं उनको मना लें, अगर माँ बाप नाराज़ औलाद से है तो अपनी औलाद से वो राज़ी हो जाएं, और बहन भाइयों का आपस में प्यार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहीं पे हैं, रिश्तों से मोहब्बत करोगे तो सब कुछ पूरी दुनिया है। कि ये मियाँ बीवी का जो भी एक रिश्ता होता है ना, देखिए खूनी रिश्तों में तो मोहब्बत होती है, मगर ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता ना, ये वो वाहिद रिश्ता है जो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। तो एक बीवी को अपने शौहर के और शौहर को अपनी बीवी के, दोनों को जो एक लिबास कहा गया ना, तो बस एक रिस्पेक्ट रखनी है। मियाँ बीवी में ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि वो मतलब एक दूसरे के लिए बने हैं और उनकी रिस्पेक्ट, उनकी हर चीज़ का ख्याल मियाँ बीवी में भी होना चाहिए। बिल्कुल, हमें खूनी रिश्तों में तो मोहब्बतें हो जाती है, मगर इस रिश्ते में ये रिश्ता भी यहाँ पे भी 3 दिन से ज़्यादा लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट वाला रिश्ता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यहाँ आपका मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह के प्रोग्राम नहीं करूँ, लेकिन ये ज़िंदगी की फीलिंग्स हैं और हम आप में से हैं, हम भी वही फील करते हैं अपने प्यारों के लिए जो आप फील करते हैं। कल तक के लिए खुदा हाफिज़, और कोशिश करूँगी सुबह सुबह आपकी इस तरह जैसे आज उदास कर दी है ऐसे उदास नहीं करूँ, लेकिन याद करें आज पूरा दिन अपने प्यारों को, आज उनको डेडिकेट कर दें अपना दिन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।